अब आपको ले चलते राजस्थान की ओर, जहां कोटपुतली बहरोड कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले के कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है। कल्पना अग्रवाल ने उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय और सीएससी पाउटा का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में साफ सफाई रखने, रद्दी पड़े सामान को व्यवस्थित करना और कार्यालय में समय पर पहुंचकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालय समय के दौरान कोई भी कार्मिक अनुपस्थिति न रहे। इस दौरान पाउटा एसडीएम कपिल कुमार, तहसीलदार प्रवीण कुमार सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं। इधर किशनगढ़ जिले के कैथल नगर परिषद का हाल इन दिनों बेहाल है। गंदे पानी की निकासी के खुले नाले हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। नगर परिषद मुख दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि इस्माइलपुर रोड पर बीएसएनएल ऑफिस से मानू मच्छी वाले तक नाला निर्माण कार्य का टेंडर नगर परिषद की ओर से किया गया था और इस कार्य का टेंडर जतिन कंस्ट्रक्शन पूर्व मनोनीत पार्षद कृष्ण यादव की फर्म के पास है, जबकि नगर परिषद के कमिश्नर और चेयरमैन को इस बारे में अवगत भी करवाया गया है, लेकिन राजनीतिक द्वेषता की वजह से इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, जो अब मुसीबत का सबक बन गया है। बीएसएनएल एक्सचेंज से और मानू मच्छी तक स्टेशन रोड तक करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक नाला निर्माण कार्य का टेंडर जारी हुए थे, जिसमें खैरतल नगर परिषद में काफ़ी कार्य थे, उनमें से वो एक था जो कि आज दिनांक तक अधूरा कार्य किया गया है। जतिन कंस्ट्रक्शन के नाम से कृष्ण यादव है, उनकी एक फर्म है, उन्होंने सिर्फ पेट्रोल पंप तक वो कार्य पूरा किया है, आगे अधूरा अभी तक है, उसको करीब डेढ़ वर्ष हो चुका है। इसके बाद हमने नगर परिषद कमिश्नर से उसको नाले को ढकने के लिए आदेश जारी करवाए थे फेरो कवर के, जो कि पिछले मार्च में उसके कार्यालय आदेश जारी हो चुके थे, जो कि आज दिनांक तक एक भी फेरो कवर वहां नहीं रखे गए हैं। उसमें तीन दफा तो गाय गिर चुकी है, एक गाय की मौत हो गई थी, दो गाय घायल हो चुकी थी। दो दिन पूर्व मेरे ऑफिस के बाहर जब मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें दो बच्चे पैदल आ रहे थे ट्यूशन से, जो कि हमारे पीछे मोहल्ले के ही बच्चे थे, जिनमें से एक छोटा बच्चा जो उस नाले में गिर जाता है, तुरंत दूसरे बच्चे का ध्यान उस पे जाता है तो वो उसको तुरंत बाहर भी निकाल लेता है, यदि उस बच्चे का ध्यान नहीं जाता तो वह बच्चा डूब के मर भी सकता था। इन समस्याओं से कई बार कमिश्नर साहब को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बार बार ठेकेदार भी ये कहते हैं कि चेयरमैन काम नहीं करने दे रहा है, कमिश्नर भी उनके आगे जो दबू प्रवृत्ति की जो बातें हैं वो करते हैं कि चेयरमैन साहब जब कहेंगे तब कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य जो फेरो कवर का कार्य था वो सिर्फ दो माह में कार्य पूरा करने का कार्यालय आदेश था, आज एक वर्ष पूरा हो चुका है क्योंकि पिछले मार्च माह का जो टेंडर था और आज तक उस पर एक भी फेरो कवर नहीं रखे जाए। ये राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे जो भी पार्षद हैं, 14 जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके किसी भी वार्ड में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी उस समय ये निविदा जारी की गई थी, विधायक जी के दबाव के कारण कर दी गई थी, लेकिन सभी के कार्यालय आदेश हो चुके थे और चेयरमैन ने और पूर्व विधायक रामहित ने इन कार्य को शुरू ना करवाने के लिए चेयरमैन को बाध्य किया कि हम आएंगे और जम के खाएंगे, वही इन्होंने नीति अपनाई है और आज उन सभी कार्य को अपने वार्डों में ये शुरू करवा रहे हैं, जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हीं के कार्य हो रहे हैं। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दो दिन पहले कातिल व्यक्ति तेजपाल पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और मासूम तीन बच्चों की तकिए से गला घोटकर हत्या कर दी थी।
जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तेजपाल शर्मा जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका दो दिन का पुलिस रिमांड मिला है, उस दौरान हम इससे पूछेंगे भाई तूने ऐसा कौन सा हथियार काम में लिया है जो चारों को मर्डर किया गया और क्यों किया गया, उस पर जांच करेंगे। तो सर अभी इसका क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है कि भाई क्यों किया इसने ऐसा? बस पूछताछ भी आएगी, दोनों पति पत्नी का जब से शादी हुई है और जब से बाहर रहने लगा है तब से पति पत्नी के मन मुटाव रहा है। कभी इसने अपनी पत्नी को खर्चा दिया नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो जो मर्द का मन जो थी अपना सिलाई मशीन चला के अपना जूनियर अपना करती थी।